Assalamualaikum guys, मेरा नाम है रेहान और guys finally आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Samsung Galaxy A52s के बारे में। आप लोगों की तरफ से यानी कि कुछ भाइयों की तरफ से मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई Samsung Galaxy A52s जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में कब आने वाला है। सो आज की इस वीडियो में मैं कंफर्म डिटेल लेके आया हूँ कि भाई इस स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में कब तक लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली Samsung जो है वो इसी मंथ के अंदर अपने दो स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने वाला है, एक Samsung Galaxy A03s होगा और दूसरा Samsung Galaxy A52s होगा। ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको इसी मंथ में पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो Samsung Galaxy A52s के रिलेटेड होने वाली है। बात करेंगे स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में और साथ ही शेयर करूंगा एक्सपेक्टेड प्राइस और साथ ही मैं आपको कंफर्म लॉन्च डेट भी बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन हमें किस डेट को पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सब कुछ Samsung Galaxy A52s के रिलेटेड इसी वीडियो में बताने वाला हूं, देन मेक श्योर वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन गाइस अगर आप लोग चैनल पे पहली दफा आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ ऑल करो ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। खैर गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई अभी Samsung की तरफ से थोड़ा सा डिले कर दिया गया इन स्मार्टफोन्स को, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई नेक्स्ट वीक के अंदर आपको इस स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि Samsung Galaxy A52s की, और उसके बाद अनबॉक्सिंग होगी। मतलब मेरे कहने का यह है कि भाई इसी मंथ के अंदर आपको ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। खैर स्टार्ट करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस के एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, 1080p की रेजोल्यूशन होगी। लेकिन गाइस इंटरेस्टिंग बात है कि भाई स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा गाइस फ्रंट पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी और साथ ही डिस्प्ले के मिड के टॉप के ऊपर एक पंच होल दिया जाएगा और पंच होल के अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप लोग इजिली 4K में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन काफी ज्यादा तगड़ी है, यानी कि 6.5 इंच का एक डिस्प्ले है, हैंड फील काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, 1080p रेजोल्यूशन है, फुल HD डिस्प्ले है, सुपर एमुलेट है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। मतलब कि डिस्प्ले वाइज इस स्मार्टफोन में किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं है। और आप लोगों को पता है कि भाई Samsung का डिस्प्ले है तो Samsung का डिस्प्ले है तो कमाल होगा ही होगा। सो गाइस इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में मुझे तो कोई भी कमी नहीं लगी। अगर आप लोगों का इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। बैक डिजाइन के हवाले से बात करूं तो इस स्मार्टफोन की बैक प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट की है, जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। एक सिंपल सा डिजाइन आपको स्मार्टफोन की बैक पर देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको Samsung Galaxy A52 और Samsung Galaxy A72 में देखने को मिला है, कुछ वैसा ही डिजाइन आपको स्मार्टफोन की भी बैक पर देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस एक चीज मुझे हजम नहीं हो रही कि भाई 80 से 90 हजार रुपए स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है मैक्सिमम, लेकिन फिर भी आपको बैग जो है वो प्लास्टिक की दी जा रही है। कम से कम यहां पर गिलास बैग होनी चाहिए थी। आप लोग क्या कहते हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। खैर डिजाइन की बात तो हो ही चुकी है, लेकिन अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैक कैमरास की। तो इस स्मार्टफोन की बैक पर क्वाड कैमरास का सेटअप दिया जाएगा, जिसमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा, सेकेंडरी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया जाएगा, थर्ड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा, फोर्थ 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया जाएगा और इसी के साथ आपको LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाएगी। और गाइस यहां पर Samsung कंपनी का कहना यह है कि आप लोग स्मार्टफोन के बैक कैमरे की मदद से भी इजीली 4K में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और गाइस Android 11 के साथ One UI 3.1 दिया जाएगा, जो कि Samsung की तरफ से आने वाले एक लेटेस्ट कस्टम UI है। चिपसेट के हवाले से बात करूं तो चिपसेट यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 95% जो कन्फर्मेशन आ रही है वो ये है कि भाई स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में 5G के साथ लॉन्च किया जाएगा। यस गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर जो चिपसेट होने वाला है वो क्वालकम स्नैपड्रैगन 778 वाला होने वाला है, जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में सीरियसली आउटस्टैंडिंग। और ये चिपसेट 5G तो है ही, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। वैसे गाइस आप लोग इस स्मार्टफोन को किसी भी टाइप के यूजेज के लिए परचेज कर सकते हैं, हाई यूजेज के लिए भी परचेज
कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोगों को ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। ज्यादा अच्छी गेमिंग करनी है तो डेफिनेटली आप लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। ज्यादा अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो फिर भी आप लोग स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि भाई सैमसंग वाले स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च कर दे। तो खैर इसी के साथ इस स्मार्टफोन में एड्रीनो 642L का जीपीयू दिया जाएगा, यानी कि स्मार्टफोन के जो ग्राफिक्स होने वाले हैं वो काफी ज्यादा तगड़े होने वाले हैं। अब इस जीपीयू के बारे में मुझे ज्यादा तो कंफर्मेशन नहीं है कि भाई इसकी क्वालिटी कैसी होने वाली है, लेकिन स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन देख के यानी कि डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन देख के डेफिनेटली अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई डिस्प्ले के जो ग्राफिक्स होने वाले हैं सीरियसली आउटस्टैंडिंग, क्योंकि सुपर एमुलेट है, 120 हर्ट्ज है, तो भाई यहां पर ग्राफिक्स की जो क्वालिटी होने वाली है सीरियसली आउटस्टैंडिंग। रैम वेरिएंट की बात करूं तो स्मार्टफोन के दो वेरिएंट लॉन्च किए जा सकते हैं। पहले वेरिएंट में आपको 8GB रैम और 128GB की रोम दी जाएगी और दूसरे वेरिएंट में आपको 8GB रैम और 256GB की रोम दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि भाई 8128 का वेरिएंट ही लॉन्च किया जाएगा, 8256 का वेरिएंट नहीं आने वाला। इसी के साथ डुअल सिम का स्लॉट भी होगा, लेकिन गाइस यहां पर आपको एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग एक टाइम में एक एसडी कार्ड और एक सिम कार्ड को यूज कर पाएंगे या फिर दोनों सिम कार्ड को यूज कर पाएंगे, एसडी कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो भाई इतनी हाई स्पेसिफिकेशन है तो डेफिनेटली फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो आपको इन डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसी के साथ आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और गाइस लास्ट में बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो सबसे पहले भाई यहां पर आपको यूएसबी टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। 4500 mAh की बड़ी बैटरी होगी जिसके साथ आपको 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब भाई 70 से 80 से 90 हज़ार की प्राइस में आपको 25W की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, तो ये मेरे को भी हजम नहीं हुई, ये भी बात हजम नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 50W की फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए थी। आप लोग क्या कहते हैं लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। वैसे अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो काफ़ी ज़रा हाई स्पेसिफिकेशन है, तो इतना तो कंप्रोमाइज़ हम कर ही सकते हैं 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो नो डाउट ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। डेफिनेटली आप लोग इस स्मार्टफोन का पाकिस्तान में वेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का बजट हाई है और आप लोगों ने लेना ही सैमसंग का फ़ोन है तो डेफिनेटली आप लोग इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 95% चांस है कि भाई ये स्मार्टफोन 5G के साथ आएगा, यानी कि 5G चिपसेट होगा। और दूसरी चीज़ सुपर एमुलेट के साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, मतलब कि स्पेसिफिकेशन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। प्राइस का आइडिया मैं बार बार दे चुका हूँ कि ये स्मार्टफोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में कुछ 80 से 90 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि 5G चिपसेट है तो डेफिनेटली भाई सैमसंग वाले स्मार्टफोन को पाकिस्तान में महंगा ही लॉन्च करेंगे। लॉन्च डेट के हवाले से बात करूँ तो स्मार्टफोन की नेक्स्ट वीक में आपको फर्स्ट लुक देखने को मिल जाएगी, यानी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक दिखा देंगे और इसी मंथ के अंदर स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी और डेफिनेटली इसी मंथ के अंदर ये स्मार्टफोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। वैसे गाइस आप में से कौन कौन स्मार्टफोन का वेट कर रहा है और कौन कौन स्मार्टफोन को परचेज करने का सोच रहा है लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।